साथियों, एक पिंक कलर का 2000 का नोट था, आपको सबको याद होगा। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं और आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को, पिछले 6 महीने में वो नोट किसी ने देखा? मैंने नहीं देखा और मुझे पक्का पता आपने भी नहीं देखा हो, क्योंकि वो जो ब्लैक मनी रखने वाले जो लोग हैं, जिनको सरकार चाहती थी ब्लैक मनी रखे, उनके पास पहुंच गया वो, हमारे पास नहीं है। और उसका आंकड़ा भी लेके आया हूं, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है, 2000 की डिनोमिनेशन के 214 करोड़ नोट है, 214 करोड़ नोट्स हैं 2000 की डिनोमिनेशन के, अर्थात 2000 की करेंसी में लगभग 4.28 लाख करोड़ रुपया है। मध्यम आय वर्गीय परिवार ने देखा, बैंकों ने देखा, निम्न आय वर्गीय परिवारों ने देखा। एक तरह से उस 2000 के नोट से तो आपने जो ब्लैक मनी है, जो करप्शन है, उसको फैसिलिटेट किया है, बिकॉज देयर इज अ ईज ऑफ ट्रांसफर। इन 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 इनके मद्देनजर हम कुछ इश्यूज पे और कुछ डाटा पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। 2016-17 में भारत की और ये सारा सरकारी आंकड़ा है, 16-17 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट थी 8.3%। हस्ती खेल की अर्थव्यवस्था, नौकरियां मिल रही थी, क्योंकि यूपीए 2 ने एक ऐसा रोबस्ट इकोनॉमिक मॉडल मोदी जी को दिया जिसका फायदा उन्हें मिल रहा था। 8.3% 16-17 में, 16-17 में ही नोटबंदी होती है, 17-18 में ये जो ग्रोथ रेट है वो 8.3 से घटके हो जाती है 7%, 18-19 में वो 7% से घटके हो जाती है 6.1%, 19-20 में वो 6.1 से घटके हो जाती है 4.2%, 20-21 में वो 4.2 से घटके हो जाती है -6.6%। ये विकास यात्रा है मोदी जी की। मोदी जी नोटबंदी के बाद एक साल भी ऐसा नहीं रहा जब जीडीपी की ग्रोथ में इजाफा हुआ। हाँ, मौजूदा वित्तीय वर्ष 21-22 में 8.7% जीडीपी ग्रोथ हुई, और उसका कारण सिर्फ लो बेस है, उसका कारण कोई इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि आपने पहले इकोनॉमी श्रिंक करी -6.6।